आज के इस मंदी के दौर में हर बिजनेस पेमेंट फंसने की समस्या से जूझ रहा है। इससे एक बिजनेस की ग्रोथ पर तो असर आता ही है, लेकिन अगर इस समस्या ज्यादा दिख रहा है तो बिजनेस को चलाना ही मुश्किल हो जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि कैसे आप अपने बिजनेस में पेमेंट फंसने की समस्या को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी लीगल स्टेप्स जिससे आप बिजनेस में अपनी फंसी हुई पेमेंट को रिकवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और कारगर ऑप्शन होता है एक लीगल नोटिस फॉर रिकवरी भेजने का। कोई भी सिविल केस अक्सर लीगल नोटिस से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका कस्टमर आपकी पेमेंट नहीं दे रहा हो तो आप उस पर केस फाइल करने से पहले एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो एक एडवोकेट द्वारा उस व्यक्ति या संगठन को भेजा जाता है जो उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरी ना कर पा रहा हो। ये एक वार्निंग या पेमेंट की एक फाइनल डिमांड होती है जिससे ये समझाया जाता है कि अगर पूरा बकाया अमाउंट की पेमेंट नहीं हुई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। काफ़ी बार कोर्ट केस होने के डर से दूसरी पार्टी पेमेंट कर देती है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस उन्हें सर्व करें। अमूमन तौर पे लोग लीगल नोटिस को सर्व करवा देते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली ड्राफ्टेड नहीं होता उसका इम्पैक्ट दूसरी पार्टी पर उतना पड़ता नहीं है। इसी कारणवश दूसरी पार्टी लीगल नोटिस मिलने के बाद भी पेमेंट देने के लिए सामने नहीं आती। तो एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस फॉर रिकवरी में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आपकी पेमेंट आने का चांस बढ़ जाए, आइए जानते हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको अपने द्वारा भेजे जाने वाले रिकवरी नोटिस को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अच्छा रहेगा कि आप सभी डायरेक्टर्स का नाम इसे मेंशन कर दें ताकि सब पर प्रेशर बना रहे। उनकी सारी ईमेल आईडीज और फ़ोन नंबर्स का मेंशन होना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिस पोस्ट, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जाना चाहिए ताकि उनके पास कोई बहाना ना रहे। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स भी नोटिस में डालना ज़रूरी है जिसमें बताया जाए कि आपने कौन से गुड्स कब और कैसे सप्लाई किए थे। आप साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आपके साथ धोखे से गुड्स सर्विसेज क्रेडिट पर ली गई थी और कैसे आपकी सारी कोशिशों के बावजूद भी आपको आपकी पेमेंट नहीं मिली। ऑल्दो एक सिविल केस है, लेकिन फिर भी आपके साथ हुए विश्वासघात या धोखे को आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाए, इसीलिए आप नोटिस में दूसरी पार्टी को इसके बारे में और इससे जुड़ी सज़ा के बारे में भी इंटीमेट करेंगे। आप इसमें ये भी बताएंगे कि वैसे तो आपके अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस नोटिस के माध्यम से आपको पेमेंट देने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। नोटिस की सारी लैंग्वेज वैसे तो इंग्लिश में होती है, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए हिंदी में आपको इसे बता रहा हूँ। लास्ट में आप मेंशन करेंगे कि आपको आपकी पेमेंट नहीं मिली तो आप MSME समाधान या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल क्रिमिनल केस दायर कर सकते हैं। इसमें जो आप डिमांड करेंगे उसमें इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन, लीगल फीस सब कुछ होगा ताकि दूसरी पार्टी पे पेमेंट देने का प्रेशर पड़े। इस नोटिस की कॉपी आप GST कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी CC करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो सिर्फ इसको लिखने भर से दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा नोटिस भेजने पर 50-70% केस में तो पेमेंट आ ही जाती है। इस नोटिस से संबंधित किसी भी डाउट को आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अब हम आ जाते हैं MSME समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। अगर आप एक बिजनेस इंटरप्राइज हैं जो कि MSME कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप अपनी डिलेड पेमेंट का केस MSME समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू ही परस्यू करें। ये सिस्टम बिजनेस में अटकी पेमेंट को रिकवर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी ईजी और एफिशिएंट है, और ये केसेस आपके क्षेत्रीय काउंसिल में ही चलता है। इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट अवार्ड होता है वो बैंक रेट का 3 times होता है, एंड दैट टू कंपाउंडेड मंथली। इसमें कोई भारी कोर्ट फीस नहीं लगती, केवल नॉमिनल काउंसिल या आर्बिट्रेशन फीस का भुगतान ही करना होता है। इसका डिसीजन का समय सरकार ने केवल 90 दिनों का रखा हुआ है, और डिसीजन आने के बाद अगर किसी पार्टी को अपील करनी होती है तो उन्हें 75% अमाउंट जमा कराना करना पड़ता है। इसके बारे में मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, इसलिए यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन वीडियोस को अभी स्क्रीन पर आ रहे लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, और आप सबकी सहूलियत के लिए इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अब हम बात करते हैं रिकवरी सूट इन कमर्शियल कोर्ट के बारे में। अगर किसी कारणवश आप MSME समाधान में अपना केस नहीं चला पा रहे हैं तो आपके पास सिविल रिकवरी फाइल करने के लिए केवल एक ही और ऑप्शन बचता है, जो कि है टू फाइल अ सिविल सूट फॉर रिकवरी इन द कमर्शियल कोर्ट। द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 में लागू हुआ था, जिसमें बिजनेस में अटकी पेमेंट्स भी कवर होती हैं जहाँ पे अमाउंट 3 lakh से ऊपर हो, लेकिन इसमें आपको अपने क्लेम के अनुसार एप्लीकेबल कोर्ट फीस भी देनी होगी। इस केस को डिसाइड करने की सीमा 2 साल की है और अपील को डिसाइड करने की सीमा 6 महीने की, लेकिन क्योंकि कोर्ट्स पे इतना प्रेशर है आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 साल तो लग ही जाएंगे इसका डिसीजन आने में।
इसमें जो एक खास पॉइंट है वो ये है कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको प्री सूट मीडिएशन का पड़ाव से गुजरना होता है, जिसमें पहले पार्टी की मीडिएशन होती है और मीडिएशन फेल होने या दूसरी पार्टी के मीडिएशन में उपस्थित ना होने पर ही केस आगे कोर्ट में जाएगा। मीडिएशन फेलियर की नॉन स्टार्टर रिपोर्ट आपको केस फाइल करने के समय लगानी होती है। प्री सूट मीडिएशन की फीस कोर्ट फीस से कम होती है और क्योंकि सेटलमेंट में दोनों ही पार्टीज का बेनिफिट रहता है, इसका ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी अटकी हुई पेमेंट को रिकवर करने में। लेकिन हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि अपना रिकवरी केस आप एमएसएमई समाधान में ही फाइल करें। ये कमर्शियल केस आप समरी सूट अंडर प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी की तरह भी फाइल कर सकते हैं। एक समरी सूट में केस काफी जल्दी डिसाइड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डिसीजन दूसरी पार्टी के डिफेंस को सुने बिना ही जजमेंट पास कर दी जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये केस फाइल करने के बाद अगर समन्स मिलने के 10 दिनों के अंदर भी डिफेंडेंट यानी बायर लीव टू डिफेंस की एप्लीकेशन नहीं फाइल करता तो ये माना जाता है दैट ही डज नॉट हैव अ वैलिड डिफेंस टू डिफेंड दिस केस। उस केस में द प्लेंटिफ और द सेलर इज एंटाइटल्ड टू गेट द जजमेंट इमीडिएटली। ये बहुत कारगर रेमेडी है फॉर रिकवरिंग द मनी जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है और आपके पास सब्सटैंटिव एविडेंस जैसे कि GST इनवॉइसेस, रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स, चेक्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जिनको देख के जज गेट्स कन्विंस्ड। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत रेयर केसेस में ही समरी सूट की एप्लीकेशन अलाउ होती है। अधिकतर केसेस में जजेस दूसरी पार्टी को लीव टू डिफेंड यानी केस में अपने रिप्लाई सबमिट करने का राइट दे ही देते हैं और फिर ये भी एक ऑर्डिनरी केस की तरह ही चलता है जो कि फिर किसी भी कोर्ट केस की तरह काफ़ी लंबा खिंच सकता है। इन केसेस का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि इनको फाइल करने की जुरिसडिक्शन या तो बायर के एरिया में होती है या फिर फाइल वहाँ किया जाता है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, जो कि एक सब्सटैंटिव और क्वेश्चनेबल इशू है। इन केसेस की जुरिसडिक्शन सेलर के प्लेस ऑफ बिजनेस में भी हो सकती है अगर इनवॉइसेस में इसके बारे में क्लियरली मेंशन हो। हमारी सलाह यही है कि आप इस केस को तभी फाइल करें जब आप एमएसएमई समाधान में फाइल करने के लिए एलिजिबल ना हो या फिर आपको उम्मीद हो कि सिर्फ प्री सूट मीडिएशन फाइल करने के समय उनको जो मीडिएशन सेंटर में अपेयर होने के लिए नोटिस आएंगे उसी के डर से या उसी प्रोसीडिंग्स में शामिल होकर दूसरी पार्टी मैटर को सेटल कर ही देगी। चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी बहुत कारगर तरीका है अपनी पेमेंट को रिकवर करने का। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बायर गुड्स को क्रेडिट पर लेने के लिए सेलर को पोस्ट या करंट डेट के चेक्स हैंड ओवर कर देता है और उस भरोसे पर सेलर अपने गुड्स को क्रेडिट पर दे देता है एंड फिर उन केसेस में जब सेलर को पेमेंट नहीं आती तो वो उन सिक्योरिटी चेक्स को डिपॉजिट करवा सकता है और उनके डिसऑनर होने पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का केस भी कर सकता है। चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें अक्यूज्ड को 2 साल की सजा और डबल द चेक अमाउंट भी देना पड़ सकता है और उनके हियरिंग्स पर प्रेजेंट ना होने पर अरेस्ट वारंट्स और उनके अगेंस्ट पीओ प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आप चेक उसकी वैलिडिटी जो कि 3 महीने की है उसके अंदर ही प्रेजेंट करें और बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे कि इशूइंग ऑफ लीगल नोटिस, रिटर्न मेमो के 30 दिन के अंदर ही होनी चाहिए जिसमें आप दूसरी पार्टी को 15 दिन का नोटिस देंगे और उसके बाद भी अगर आपकी पेमेंट नहीं आएगी तो 1 महीने के अंदर ही केस फाइल करेंगे। इन टाइमलाइंस के छूट जाने पर केस आउट ऑफ लिमिटेशन हो सकता है जिससे आपकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। 2018 में इस एक्ट में सेक्शन 143A को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके तहत कोर्ट को पावर दी गई थी केस डिसाइड होने से पहले कंप्लेनेंट को इंटरिम कॉम्पनसेशन के तौर पर 20% ऑफ द चेक अमाउंट तक अवार्ड करने की, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जहाँ पे एविडेंसेस को देखकर कोर्ट इज कन्विंस्ड That amount has been admitted by the buyer. इन चेक बाउंस केसेस में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है लेकिन मोस्टली अगर आपका केस ठीक तरीके से हैंडल हो रहा है तो लास्ट में आपको आपकी पेमेंट तो मिल ही जाएगी। अब कुछ केसेस में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में क्रिमिनल कंप्लेंट के माध्यम से भी अपनी पेमेंट की रिकवरी कर सकते हैं। वैसे तो रिकवरी ऑफ पेमेंट एक सिविल केस है लेकिन फिर भी आप बायर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उनके अगेंस्ट एक सिविल केस को एक क्रिमिनल रूप देकर उनकी कंप्लेंट को अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको फैक्ट्स कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करने होंगे कि ऐसा प्रतीत हो कि आपके साथ फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है जिसके बेसिस पे पुलिस बायर के खिलाफ FIR भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं एक ड्राफ्ट ऑफ कंप्लेंट स्क्रीन पर दर्शा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेमेंट ऑफ रिकवरी एक सिविल डिस्प्यूट है और उसमें FIR करवाना ईजी नहीं होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि आपके साथ बायर ने क्रेडिट पे सामान लेके और जानबूझकर पेमेंट ना देकर एक सोची समझी साजिश के तहत एक फ्रॉड किया है, उस केस में पुलिस सेक्शन 420 और 406 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है जिसमें उनको 7 साल की सजा भी हो सकती है।
इसमें ये जानना जरूरी है कि सिर्फ FIR करवाने से आपकी पेमेंट नहीं आएगी। ये तो सिर्फ एक प्रेशर बनाने का जरिया है कि जेल जाने के डर से दूसरी पार्टी आपकी पेमेंट देकर केस को सेटल कर दे, वरना रिकवरी की नहीं तो आपको ऊपर बताए गए तरीकों का सहारा ही लेना होगा। प्रेशर बनाने के लिए आप कंप्लेंट्स GST डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रिकवरी ऑफ पेमेंट थ्रू NCLT एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अगर आपका बायर जिसने आपकी पेमेंट को डिफॉल्ट किया है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपका पेंडिंग एडमिटेड अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है, तो आप उसकी रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं जिसमें केस NCLT में फाइल होगा। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि पहले थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख की थी, लेकिन कोविड के बाद ये थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ तक की कर दी गई है। ये एक बहुत इफेक्टिव वे है अपनी पेमेंट को रिकवर करने का। और केस स्टार्ट करने से पहले आपको बायर को एक डिमांड नोटिस इशू करना होता है जिसमें आपको डेट के सारे पर्टिकुलर्स मेंशन करने होते हैं और दूसरी पार्टी को पेमेंट करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है। इस नोटिस का फॉर्मेट मैंने अपनी सहूलत के लिए स्क्रीन पर दिखाया है। इस नोटिस के बाद भी अगर आपको आपकी पेमेंट नहीं आती तो आप NCLT में उनके खिलाफ सेक्शन 9 ऑफ द IBC के तहत पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें NCLT बायर के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि बायर को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और उसे उसी कंपनी का कंट्रोल ले लिया जाएगा। कुछ केसेस में कंपनी IRP के बनाए हुए रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू रिवाइव भी हो सकती है, उस केसेस में भी आपको आपकी पेमेंट वापस मिल ही जाएगी। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है आपकी पेमेंट को रिकवर करने का अगर आप ऊपर दिए क्राइटेरियाज को मीट कर रहे हो। अपनी पेमेंट रिकवरी से जुड़ी किसी भी और इशू को आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल कर हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। पेमेंट रिकवरी से जुड़ी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि पेमेंट रिकवरी से जूझ रहे बाकी लोगों को भी इससे मदद हो सके। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.